हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम अभी आए हुए हैं प्रोजेक्ट भवन के सामने और ये रहा धुरुआ में HEC में और यहाँ पर झारखंड मंत्रालय है। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं, चलिए झारखंड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन और HEC जो कि सबसे एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंपनी है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यही है गाइज प्रोजेक्ट भवन। ये देखिए सामने में झारखंड मंत्रालय, यहीं पे यही है प्रोजेक्ट भवन, यहाँ पे लिखा है देखिए इंग्लिश अक्षरों में। और देखिए यहाँ पे कैसे गार्ड हैं, पुलिस यहाँ पे रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे बड़ा बड़ा मंत्री लोग बस आते हैं, यहाँ पे मीटिंग वीटिंग होता है और यहाँ पे क्या हुआ है। और इधर का रास्ता देखिए गाइज कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और उसका बाउंड्री, ये बाउंड्री कितना बड़ा है ये देख के समझ सकते हैं झारखंड मंत्रालय का। और इधर भी है झारखंड मंत्रालय, ये देखिए गाइज। बहुत ही बड़ा है ये कैंपस है झारखंड मंत्रालय का। इधर यहाँ भी है ये देखिए, और इस साइड में है HEC जो आप लोग को भी दिखाते हैं प्लान, जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा झारखंड में हम लोग का झारखंड में बसा है। ये देखिए भाई ये कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंपनी जो कि बहुत पुराना है। ये कंपनी झारखंड में एकमात्र ही कंपनी था पहले, जो HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है इसका पूरा नाम गाइज। ये देख के आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा बड़ा वे जो वहाँ पे धुआं निकलता है वे सब है। उसके अंदर में बहुत बड़ा ये कैंपस है और अंदर में बहुत बड़ा बड़ा प्लांट लगा हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे हाइबा में यहाँ पे कितना, यहाँ पे हाइबा हमेशा आता है, पर अभी उतना नहीं है यहाँ पे कंपनी उतना नहीं चलता है क्योंकि ये कंपनी बहुत पुराना हो गया है इसीलिए। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को मुख्य इसका बिल्डिंग जहाँ पे किया जाता है इसका जो भी कार्य होता है वे सब। यहीं पे मुख्य काम होता है जो इसका HEC का जो काम होता है उसके रिलेटिव में यहीं पे होता है। और उसका मुख्य द्वार भी दिखाते हैं HEC का, जिधर से घुस के वहाँ पे अंदर में काम उम होता है वे इस साइड में हुआ। तो चलते हैं गाइस, ये रहा देखिए गाइस हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में आपका स्वागत है। मतलब यहाँ पे यही है प्लांट का गेट, यहाँ पे देखिए किसे बना हुआ है, यहाँ पे रॉकेट, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, इसरो जो कि हम लोग का अभी Chandrayaan-3 भी इसरो ही लॉन्च किया था। तो इसलिए तो गाइस ये देखिए इसका मेन बिल्डिंग, मेन जो अंदर घुसने का प्लांट है वो ये देखिए, अंदर में और एक गेट है वहाँ पे। अभी सामने जाके आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए गाइस यहाँ पे लिखल है बड़े बड़े अक्षरों में HEC। पुराने ज़माना का ये कंपनी है, तो देखिए पूरा बिल्डिंग सब भी पूरा धंसने जैसा हो गया है और बहुत पुराना हो गया है गाइस। ये देखिए ये बहुत पुराने ज़माना का बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा था पहले का। और ये ब्रिज देख के हमको लगता है बहुत ही पुराना है ये ब्रिज, ये लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा ब्रिज। इसका मेन यहीं पे है, यहीं से घुसता है अंदर। तो गाइस यहाँ अभी हम लोग को घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ का हम लोग सदस्य नहीं हैं। तो आप लोग को बाहर से दिखा रहे हैं दोस्तों, यही है हैवी इंजीनियरिंग प्लांट जो कि हम लोग के धुरुआ में है। और यहाँ पे एशिया का बहुत बड़ा ये कंपनी है लोहा में, लोहा के लिए गाइज ये बहुत बड़ा कैंपस है। ये देखिए पूरा हमको लगता है ये कम से कम 1-2 हज़ार एकड़ों से पूरा घिरा हुआ है ये एरिया जी। ब्लॉग बनाते हैं तो दिखा रहे हैं मेरा सब्सक्राइबर सबको, नहीं बनाते हैं बाबू भैया, तुम ठीक हो?
साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा कैमरा लगा हुआ है तो एक पुलिसकर्मी आए और बोले कि हम लोग पर से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से नहीं बनाने का अलाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके बाहर बाहर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए गाइज, यही है इसका बाहर का, फिर से एक बार नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। ये रहा और इसका रास्ता एक बार चेक कीजिएगा, इस रोड कितना अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि बहुत चौड़ा है और उसके बीच में जो पुल उल लगा हुआ है कितना अच्छा तरीक़ा से, कितना अच्छा दिख रहा है। और उसके साइड साइड में पेड़ है, ये देख सकते हैं गाइज। तो गाइज आप लोग भी अगर रांची में रहते हैं तो HEC घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पे देखें कितना बड़ा ये कंपनी है और हम लोग का झारखंड के रांची ज़िला में ये स्थित है। देखिए गाइज इधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, क्या चीज़ का पता नहीं, बन के तैयार होगा तो दिखाएंगे आप लोग को, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा कभी देखने के लिए आप लोग को। तो गाइज हम लोग रांची में ध्रुआ में खास करके बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे इधर जगह है, जैसे जगन्नाथपुर हुआ ये भी ध्रुआ में पड़ता है, फिर HEC हो गया, फिर विधानसभा हो गया, फिर ध्रुआ डैम हो गया, फिर स्टेडियम है, फिर प्रभात तारा ग्राउंड है, और फिर जो अभी देखे रहे हैं मंत्रालय ये है, और ऐसे चौड़ी चौड़ी रोड है इधर सब तरफ। देखिए इधर भी जा रहा है तो इधर टू लाइन का चौड़ी चौड़ी रोड ही जा रहा है गाइस, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत अच्छा तरीक़ा से रोड को भी बनाया गया है। और दोस्तों ध्रुआ में खास करके स्पेशल देखने के लिए ही बनाया गया है, और स्पेशल यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी हो गया जैसे HEC हो गया, फिर लग रहा है इस सब के अलावा। और अच्छा पुलिस कैंप है गाइस ध्रुआ में उधर नीचे साइड में, और उधर है CRPF कैंप है, और उसके अलावा यदि आप लोग को लगता है कि और कुछ है तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये क्या हो गया गाइस, एक्सीडेंट हो गया क्या? अच्छा चक्का पंचर हो गया, और देखिए यहाँ पे किसी डिवाइडर को ही बजड़ दिया है गाइस, क्योंकि पंचर हो गया था या तो चक्का ब्लास्ट हुआ होगा इसलिए अचानक होता है। तो गाइस धन्यवाद पुनः पधारे, थैंक यू विजिट अजन अगेन बोल रहा है गाइस। और स्वागत का गेट इधर है तो हम उधर से आए थे, वो तुपुदाना क्या बोलते हैं सिंगोड होते हुए, इसीलिए नहीं इधर से नहीं देखे हैं। और ये रहा ध्रुआ का गलचक्कर, जो कि बहुत बड़ा गलचक्कर है, ये रहा गलचक्कर गाइस, कितना अच्छा दिख रहा है और कितना बड़ा है गलचक्कर है। अंदर में पार्क जैसा बनाया हुआ है, किसी का स्मृति प्रतिमा स्थापित किया हुआ है गाइस। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका प्रतिमा स्थापित है ध्रुआ का गलचक्कर में गाइस। तो सो गाइस चला जाए अब, क्योंकि पानी भी पड़ रहा है, देखिए मौसम भी बहुत ख़राब है, तो अब धीरे धीरे चला जाए रूम की ओर। तो गाइस वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं, और फिर से एक नए वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय रहेगा।